जयपुर से, जहां पर नई कार्यकारिणी के साथ ही आरसीए में नया दफ्तर होगा। पदाधिकारियों ने नए दफ्तर की तलाश भी शुरू कर दी है। स्टेडियम में ही साउथ ब्लॉक या फिर आरसीए एकेडमी में यह नया दफ्तर बनाया जाएगा और अभी पदाधिकारियों ने आरसीए एकेडमी पर ही अपनी सहमति जता दी है। पुराने दफ्तर में कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है, इसी के चलते अब नए दफ्तर की तलाश यहां पर हो रही है। बिना विवादों के कोई भी कार्यकारिणी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, जिसके चलते पुराने आरसीए दफ्तर को अशुभ अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है और नए दफ्तर की तलाश जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने आरसीए एकेडमी पर ही अपनी जो सहमति है वो फिलहाल जताई है, जिसमें कहा जा रहा है कि फिलहाल वहीं से काम अभी किया जाएगा, लेकिन पुराने दफ्तर में जो नई कार्यकारिणी है वो अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी कोई भी जो कार्यकारिणी इससे पहले अपने काम को अंजाम वहां पर पूरी तरीके से नहीं दे पाई, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। तो नई कार्यकारिणी के साथ ही आरसीए में नया दफ्तर होगा। पदाधिकारियों ने नए दफ्तर की तलाश भी शुरू कर दी है। स्टेडियम में ही साउथ ब्लॉक या फिर आरसीए एकेडमी में ये नया दफ्तर बनाया जाएगा और फिलहाल के लिए अभी आरसीए एकेडमी पर अपनी सहमति यहां पर पदाधिकारियों की तरफ से जता दी गई है और अपनी सहमति में पुराने दफ्तर में कोई भी जो कार्यकाल है अपना पूरा नहीं कर सका है। बिना विवादों के कोई काम अब तक नहीं हो पाया, कार्यकारिणी अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाई, जिसके चलते पुराने आरसीए दफ्तर को अशुभ माना जा रहा है। उधर बड़ी खबर आपको दे दें, आरसीए पदाधिकारियों ने खेल मंत्री से मुलाकात की है। आरसीए एकेडमी पर अशोक चांदना से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं। महेश शर्मा, महेंद्र नाहर, के निमावत ने मुलाकात की है। मंत्री चांदना ने सभी को जीत की बधाई दी है। तो आरसीए के जो पदाधिकारी हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं खेल मंत्री से, जहां मुलाकात की उन्होंने अशोक चांदना से। आरसीए एकेडमी पर अशोक चांदना से ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में महेंद्र शर्मा पहुंचे हैं, महेंद्र नाहर पहुंचे, इसके अलावा के निमावत ने ये मुलाकात की। इसके साथ ही मंत्री चांदना ने सभी को जीत की शुभकामनाएं और बधाई दी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां आरसीए चुनाव के बाद आरसीए दफ्तर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आरएस नांदू, पिंकेश जैन, मोहम्मद इकबाल की जो तस्वीरें हैं वो हटा दी गई हैं। बता दें दफ्तर के रिसेप्शन पर ये पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, कार्यकारिणी की ये तस्वीर थी पुरानी कार्यकारिणी की, उसे हटा दिया गया है। पुरानी कार्यकारिणी में महेंद्र नाहर, के निमावत की तस्वीर लगी है, साथ ही पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी की तस्वीर भी लगी है दफ्तर में। नई कार्यकारिणी के सदस्यों की तस्वीर भी अब जल्द यहां पर लगाई जाएगी। अध्यक्ष वैभव गहलोत, सचिव महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अमीन पठान और साथ ही साथ सदस्य देवाराम चौधरी की अब तस्वीरें यहां पर लगाई जाएंगी। तो आरसीए में जिस तरीके की स्थितियां बदल रही हैं उसके मुताबिक अब तस्वीरें भी उसी हिसाब से यहां पर आएंगी। नई कार्यकारिणी की जो तस्वीरें हैं अब वो चस्पा की जाएंगी। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग के कांस्टेबल को ट्रैप यहां पर किया गया है, 12,000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है। फलौदी में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी अधिकारी ट्रैप करने की पुष्टि कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं जोधपुर से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आबकारी विभाग के कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि 12,000 रुपए की रिश्वत जो है वो ली जा रही थी। फलौदी में एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी अधिकारी ट्रैप की पुष्टि कर रहे हैं। उधर उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला है। वीसी चैंबर में दो छात्र गुटों के बीच मारपीट हुई है। मिलिन पालेवाल और शैलेश कटारिया गुट में मारपीट देखने को मिली। पुलिस ने हंगामा करने वालों को बाहर निकाल दिया है। तो वहीं गरबा आयोजन को लेकर यहां पर वीसी से मुलाकात करने के लिए ये गए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हंगामा, जहां वीसी चैंबर में दो छात्र गुटों के बीच मारपीट हो गई। मिलिन पालीवाल और शैलेश कटारिया गुट में मारपीट हुई है। अविनाश अग्रवाल, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्यों हुई ये मारपीट? जी देखिए, कॉमर्स कॉलेज में डांडिया के आयोजन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, क्योंकि कल जो है वो मिलिन पालीवाल ने गरबा की अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन से ली थी,
लेकिन क्योंकि मैदान में पानी भरा हुआ था, गार्डन पूरा गीला था, ऐसे में गरबा का आयोजन नहीं हो पाया। और आज जो है दूसरे छात्र ग्रुप ने जो है वो अनुमति दे रखी थी, उसी बात को लेके दोनों ही पक्ष डीसी चैंबर में वार्ता करने के लिए पहुंचे थे कि किसी तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन दोनों ही गुटों के बीच जो छात्र नेता है उनके बीच में डीसी चैंबर के अंदर ही तीखी नोकझोंक शुरू हुई और स्थिति जो है वो हाथापाई पर पहुंच गई थी। वहां पे मौजूद जो जवान थे उन्होंने छात्रों को अलग अलग करके बाहर निकाला और पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। अभी भी छात्रों से जो है समझाइश का प्रयास जो है। चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। समझाइश का जो दौर है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। दो जो छात्र गुट है वो आपस में यहाँ पर भिड़े थे। बड़ी खबर करौली से, जहां पर करौली में युवक युवती से बदसलूकी के मामले में अब वीडियो वाली जगह की पहचान कर ली गई है। कोटे गांव स्थित कुंडा वाले बालाजी का ये वीडियो बताया जा रहा है, करीब 15 दिन पुराना ये वीडियो है। पीड़ित भी आसपास की ही रहने वाले यहां पर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बदसलूकी यहां पर इस शख्स और युवती के साथ की गई थी। वही बदसलूकी का ये मामला अब कहीं ना कहीं जो जगह की पहचान है वो कर ली गई है। वीडियो वाली जगह की पहचान हो गई है। कोटे गांव स्थित कुंडा वाले बालाजी का वीडियो बताया जा रहा है और करीब 15 दिन पुराना ये वीडियो है। पीड़ित भी आसपास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अब पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। स्वतः संज्ञान ले इस पूरे मामले में कार्रवाई अब की जा रही है। उधर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके के बमनोर सड़क पर एक बेकाबू पिकअप ट्रोला पलट गया। हादसे में 13 स्कूली बच्चों समेत एक महिला घायल हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार शर्मा और अधिकारी अस्पताल पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पुलिस हादसे के कारण और पिकअप चालक की तलाश में जुट गई है। बताया ये जा रहा है कि बामणोर स्कूल से बच्चे घर जा रहे थे, इसी दौरान बेकाबू पिकअप ट्रोला पलट गया जिसमें 13 बच्चों समेत एक महिला घायल हो गई। उधर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस की गश्त के बावजूद लगातार चोर बेखौफ होकर मकान, दुकानों और शोरूम में से इंदमारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की बालाजी कॉलोनी में चोरों ने एक मकान में से इंदमारी कर करीब 10 तोला सोने के जेवरात, 45 तोना चांदी के आभूषण के साथ ही करीब 40,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मकान मालिक जब सुबह घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए और सामान बिखरा हुआ मिला। जांच में आसपास के सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध नजर आए हैं और ये आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर मौके से निकल गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। उधर बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में जैन मंदिर के पास कॉलोनी में घुसे एक अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। अजगर को नाली से बाहर निकालने के लिए आग लगाकर धुआं भी किया गया और आखिरकार रेस्क्यू टीम की काफी मशक्कत के बाद अजगर को पक्की नाली में से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। अजगर की लंबाई तकरीबन 9 फीट और वजन 22 किलो के आसपास था। बड़ी खबर, कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने डीसी ऑफिस के बाहर ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि ये ग्रेनेड भीड़ पर फेंका गया था और आतंकी हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अंत के 60 दिन पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। जम्मू कश्मीर में 370 के अंत के 60 दिन पूरे होने और कश्मीर में शांति से बौखलाए इमरान खान ने फिर आतंकियों के समर्थन में बयान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरियों की मदद के लिए जो एलओसी पार करके कश्मीर में आएगा भारत उसे आतंकवादी बताएगा। इमरान ने यह भी कहा है कि कश्मीर में हक की लड़ाई को इस्लामिक आतंकवाद कहा जा रहा है। इमरान ने ट्वीट कर कहा है कि अगर कश्मीरियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोई भी एलओसी पार करता है तो भारत दुनिया के सामने उसे पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवाद करार देता है।
पीएम मोदी अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं, रियाद में होने वाले निवेश सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं और दोनों के बीच निवेश आर्थिक संबंध के बारे में चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दूसरी सऊदी अरब यात्रा होगी और इससे पहले 2016 में पीएम मोदी सऊदी अरब गए थे। 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर थे। माना जा रहा है कि अजीत डोभाल का यह दौरा पीएम के सऊदी अरब दौरे का ग्राउंड तैयार करने के लिए था। अजीत डोभाल ने अपने दौरे पर प्रिंस सलमान से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले का सऊदी अरब ने समर्थन किया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में भारत के कदमों को समझता है। उधर मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटने के मुद्दे पर प्रशासन और पर्यावरण प्रेमी आमने सामने हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करने के बाद शुक्रवार रात से ही पेड़ काटने का काम शुरू हो गया। सैकड़ों लोग इसे रोकने पहुंच गए जिसके बाद से वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। हालात ये हैं कि कई किलोमीटर पहले ही लोगों के अंदर घुसने पर रोक लगा दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 29 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी प्रदर्शन करने से रोका गया। इलाके में तकरीबन 400 से 500 पुलिस बल तैनात है। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने भी मेट्रो के लिए पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इकोसिस्टम तबाह कर रही मुंबई मेट्रो, तो वहीं मेट्रो शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों पर आरी चलनी शुरू हो चुकी है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रक्रियाएं सरल की, पारदर्शी की और उसके कारण एक प्रोजेक्ट मंजूर होने को जो 640 दिन लगते थे अब 108 दिन लग रहे। ये क्यों हुआ और उसमें पर्यावरण के शर्तों के साथ हमने कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारी नीति है पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और देश का विकास भी करेंगे। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन जो प्लास्टिक पहले से ही हमारे सामने मौजूद है उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, इसका इलाज भी निकाल लिया गया है। नोएडा में बेकार प्लास्टिक से सड़क बनाई जा रही है। दिल्ली में भी जल्द ही बेकार प्लास्टिक से सड़क बनाई जाएगी। प्लास्टिक के कचरे और उससे हो रहे प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली गई है। प्लास्टिक के कचरे से अब सड़कें बनाई जा रही हैं। यूपी के नोएडा के सेक्टर 14A में बनी ये सड़क देखने में भले ही आम सड़क जैसी लगती हो, लेकिन असलियत में ये कुछ अलग तरह की सड़क है। ये सड़क दरअसल बेकार हो चुके प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल करके बनाई गई है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने में 6 टन प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल किया गया। प्लास्टिक वेस्ट की जो श्रेडिंग मशीन है, पूरा यूनिट लगता है जिससे प्लास्टिक श्रेड होके रोड्स में यूज होता है, तो वो यूनिट भी हम लोग अपने यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरा प्रयास है कि जो प्लास्टिक यहाँ नोएडा में जनरेट हो रहा है उसको बेहतर तरीके से रोड्स बनाने में अधिक से अधिक यूज किया जा सके। सड़क बनाने में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कचरे में से पॉलीथीन और प्लास्टिक को अलग किया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक को साफ कर मशीन से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। बाद में इसे पिघाल कर कंक्रीट, बजरी और डामर के साथ मिलाकर सड़क बनाई जाती है। दिल्ली में भी जल्द ही प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाई जाएगी। ये जितने भी हमारे लैंडफिल हैं या बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं वहां पर हम उसको सभी को सेग्रीगेट कराने जा रहे हैं। जो प्लास्टिक निकलेगा उससे हम प्लास्टिक की सड़क बनाएंगे। जब हम कोई सड़क बनाते हैं तो उसमें 10 से 15% हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हम कोई बड़ी सड़क बनाएंगे तो उसमें कई टन प्लास्टिक खप सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बारिश और जलभराव की वजह से ही सड़कों के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कर बनाई गई सड़क पर बारिश के पानी का असर बेहद कम होगा, जिससे उनके टूटने का खतरा भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस तरह से बनाई गई सड़कें 2 से 3 गुना ज्यादा समय तक चलेंगी।
जैसे हम लोग रेनकोट पहनते हैं, एक तरह से ये प्लास्टिक एग्रीगेट के ऊपर रेनकोट की तरह एक्ट करता है। आपने प्लास्टिक डाल दिया, वो पानी का अंदर जाना रोक देता है, उसके ऊपर से बिटुमेन, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। सो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के कारण रोड की लाइफ भी इम्प्रूव होती है। करीब 1 किलोमीटर रोड बनाने में 1 टन वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा है उससे तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ जो रोड बनेगी वो भी कहीं ज्यादा मजबूत होगी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, नोएडा। क्या आपको पता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन सा वायरस है? मुमकिन है कि आपको आज जवाब HIV हो, लेकिन जिनका ये जवाब है वो गलत है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस HIV से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस वायरस के शिकार हैं, लेकिन अब इस खतरे को जड़ से मिटाने की शपथ ले ली गई है। क्या है दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस और आप कैसे इसके खिलाफ हथियार बन सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस यानी ILBS हॉस्पिटल की भीड़ ये बता रही है कि लिवर और उससे जुड़ी बीमारियों का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। इलाज के लिए आई सुनीता को कुछ दिन पहले तक अंदाजा भी नहीं था कि उनके शरीर में दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में से एक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पता चलने के बाद भी उनका परिवार उनके साथ है और इलाज शुरू कर दिया गया है। मेरा देवर को हुआ तो उसी में सब को चेकअप हुआ तो 2 गोटा निकल गया, उसी से पता चल गया। आप सोच रहे होंगे कि अगर सुनीता को दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस ने घेरा तो उन्हें ये पता क्यों नहीं चल सका। खामोशी से वार करना, इस वायरस की यही सबसे खतरनाक बात है। हेपेटाइटिस बी को सप्रेस कर सकते हैं, क्योर जो है, क्योंकि जो चीज माँ से आती है उस निकलती नहीं। लकीली 2-5% में, उसमें भी हम इंजेक्शन देते हैं, दवाइयां देते हैं और एडवांस डिजीज नहीं हो तो 5-10% वी कैन क्योर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक भारत में 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के शिकार है। 90% लोगों के शरीर में तो ये वायरस शांत रहते हैं और ताउम्र उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन जिन लोगों में हेपेटाइटिस बी का वायरस बीमारी की शक्ल में बदल जाए उन्हें जीवन भर दवाएं लेनी पड़ती हैं। हालांकि डॉक्टरों की निगरानी में लगातार इलाज चलता रहे तो मरीज बेहतर जीवन जी सकता है। अब HIV वाला है, उसको आप दवाई देते हैं, HIV सप्रेस रहता है, लाइफ लॉन्ग दवाई देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी भी आसानी से दवाई के द्वारा सप्रेस हो जाता है और आप दवाई लेते रहें तो ही इज एज गुड एज यू एंड आई, ही इज नॉट इन्फेक्टेड। अब सबसे जरूरी बात कि हेपेटाइटिस की बीमारी होती कैसे है। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन संक्रमित माँ से उसके बच्चे में जन्म के समय आ सकता है। इन्फेक्टेड सुई यानी नीडल से इंजेक्शन लग जाए या फिर ऐसी किसी सुई से टैटू या बॉडी पियर्सिंग करा ली जाए तो भी हेपेटाइटिस फैल सकता है। असुरक्षित यौन संबंधों से भी हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। अब जरा हेपेटाइटिस के लक्षण भी जान लीजिए। हेपेटाइटिस बी या सी बीमारी में बदलने लगे तो जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द और कमजोरी का एहसास हो सकता है, बुखार और थकान महसूस होना, त्वचा पीली पड़ना और आंखों का सफेद हिस्सा भी पीला पड़ जाना इसी के लक्षण है। भूख कम लगना भी हेपेटाइटिस के लक्षणों में ही है। इस बीमारी के शिकार कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें लक्षणों को पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता, हालत सीधे जानलेवा हो जाती है। लेकिन इन्फेक्शन को फैलने से पहले ही रोका जा सके तो? इसी सवाल के जवाब के लिए दिल्ली के इस अस्पताल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर द एम्पैथी कैंपेन की शुरुआत की। इसका मकसद लोगों को हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के बारे में बताना, सावधान करना और बचाव के लिए तैयार करना है। मैं रूटीन कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में दिखाने आता हूँ। जो डॉक्टर टेस्ट बोलता है वो टेस्ट कराता हूँ और दवा कंटिन्यूसली चल रही है। और 1-2 सजेशंस थे डॉक्टर के, लाइक वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं करना है और डाइट पे कंट्रोल करना है। सो बेसिकली मैं स्मोक और एल्कोहल नहीं लेता हूँ।
प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर माता पिता दोनों में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन की जांच कर ली जाए तो आने वाले बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन अब बड़े लोगों के लिए भी मौजूद है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन सरकार के आवश्यक टीकाकरण अभियान में भी शामिल है, लेकिन वो बच्चे जो टीकाकरण करवाते ही नहीं या फिर 4 इंजेक्शन की जगह अधूरी डोज लेकर ही छोड़ देते हैं, वो अभी भी चुनौती बने हुए हैं। सादा जीवन, उच्च विचार का दर्शन हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए राहत हो सकता है। सिगरेट, शराब से दूरी और सादा खाना, इन सब से मरीज का जीवन बेहतर हो सकता है। हेपेटाइटिस अलग अलग किस्म के वायरस हैं, जो कि दोनों ही ये लिवर को इफेक्ट करते हैं, दोनों ही लिवर में डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस सी आमतौर पे जो आता है वो निडल प्रिक इंजरी से आता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है या निडल स्टिक इंजरी से आता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी अधिकतर जो हम देखते हैं वायरस आता है वो मदर टू बेबी आता है, ट्रांसमिशन ये होता है। और आजकल हेपेटाइटिस बी का थोड़ा इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि हेपेटाइटिस सी की बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। कहते हैं जानकारी ही बचाव है, ऐसे में आप जरा हेपेटाइटिस के लिए जरूरी जानकारी भी नोट कर लीजिए। बीमारी के बारे में बात करना, इसके मरीज को घबराने या उसे दूर करने की जगह उसका इलाज करवाना और वक्त रहते इंजेक्शन लगवा कर बचाव कर लेना, ये सब कर लिया जाए तो देश हेपेटाइटिस मुक्त भी हो सकता है। एम्पैथी कैंपेन जैसी कोशिशों से जुड़कर आप भी हेपेटाइटिस के वायरस से खुद को और अपने अपनों को बचा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको 2 मिनट में गांव से जुड़ी खबरें। जैसर में 64वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। आम्रपाली संस्थान की ओर से हिंडौली में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में एसडीएम ने 15 के करीब राजकीय कार्यालयों और स्कूलों का निरीक्षण किया। बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुई 64वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। टिमका थाना बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते अधिक प्रभाव से करंट आने से कई घरों के उपकरण जल गए। खंडेला में चिकित्सा विभाग की ब्लॉक स्तरीय मासिक बैठक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने ली। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मानसून अस्पताल का फीता काटकर उद्घाटन किया। झालावर के रानीवाड़ा में मां वाकल कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क आंखों का कैंप का आयोजन किया जाएगा। शीतलवाड़ा के रणदौर में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ और प्रथम स्थान पाने वाली टीम को सम्मानित किया गया। सामो थानाधिकारी अरुण सिंह का तबादला होने पर विदाई पार्टी का आयोजन किया गया। नवनियुक्त थानाधिकारी हवा सिंह का लोगों ने भव्य स्वागत कर बधाई दी। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगर छूट गई हो आपसे कोई खबर, नहीं देख पाए आप हमारा स्पेशल शो, तो हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें www.zirasthannews.com पर। अब ना छूटेगी कोई भी खबर, नहीं करना होगा रिमोट को लेफ्ट राइट। अपडेट रखेगी जी मीडिया की लाइव वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म, आपको रखेगा अवेकन, एनलाइटेंड एंड इन्फॉर्म्ड। मोबाइल कीजिए अपना ऑन, देखिए जी राजस्थान, खबरों में दम, सबसे आगे हम। वक्त की रफ्तार में जब छूट जाए खबरें, दफ्तर के काम में जब तब जाए खबरें, टीवी की तरफ जब ना उठ पाए नजरें, तब उठाइए अपना फोन और लॉग इन कीजिए जी राजस्थान न्यूज की वेबसाइट www.zirajasthannews.com पर और हो जाइए शहरों से लेकर गांव तक, संसद से सड़क तक, हर खबर से अपडेट। दफ्तर में हो या हो किसी सफर पर, जी राजस्थान चलेगा हर पल आपके साथ।